हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और लास्ट तक जरूर देखें। सबसे ज्यादा संक्षिप्त न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। झारखंड सरकार ने हाई कोर्ट के निर्देश पर शुक्रवार को 12 जिला जज को अनिवार्य सेवानिवृत्ति नोटिस भेजा। कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग की सचिव निधि खरे ने बताया कि इन सब जज को हाई कोर्ट के निर्देश पर नोटिस भेजा गया है। इन सब जज को कोर्ट ने घूस लेने के आरोप और चिन्हित किया था। उन्होंने बताया कि सब 12 जज को 3 महीने की तनख्वाह और सब भत्ते दे दिए गए हैं। सरकार और मौजूद सूत्रों के मुताबिक यह फैसला हाई कोर्ट के पत्र लिखने के बाद लिया गया। सरकार जरिए जिला जज को भेजी गई अनिवार्य सेवानिवृत्ति के नोटिस और अनिल कुमार सिंह, गिरीश चंद्र सिन्हा, गिरिजेश कुमार दुबे, ओम प्रकाश श्रीवास्तव, राजेश कुमार पांडे और उमेशानंद मिश्रा का नाम शामिल है। साथ ही इस लिस्ट और चीफ जज राम जीवन और रामजीत यादव का नाम भी है। वहीं इस लिस्ट और अशोक कुमार सिंह, अरुण कुमार गुप्ता, राजनंदन राय, यशवंत कुमार शाही भी शामिल है। यह पहला मामला है जिस समय एक साथ 12 न्यायाधीशों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति का नोटिस भेजा गया है। उन्होंने बताया कि सब 12 जज को 3 महीने की तनख्वाह और सब भत्ते दे दिए गए हैं। सरकार और मौजूद सूत्रों के मुताबिक यह फैसला हाई कोर्ट के पत्र लिखने के बाद लिया गया। सरकार जरिए जिला जज को भेजी गई अनिवार्य सेवानिवृत्ति के नोटिस और अनिल कुमार सिंह, गिरीश चंद्र सिन्हा, गिरिजेश कुमार दुबे, ओम प्रकाश श्रीवास्तव, राजेश कुमार पांडे और उमेशानंद मिश्रा का नाम शामिल है। साथ ही इस लिस्ट और चीफ जज राम जीवन और रामजीत यादव का नाम भी है। वहीं इस लिस्ट और अशोक कुमार सिंह, अरुण कुमार गुप्ता, राजनंदन राय, यशवंत कुमार शाही भी शामिल है। यह पहला मामला है जिस समय एक साथ 12 न्यायाधीशों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति का नोटिस भेजा गया है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद यह वीडियो पूरा देखने के लिए। हमें कमेंट्स के जरिए बताइए कि वीडियो कैसा लगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।